चलिए बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर आपको आजमगढ़ से बता दें, जहां पर लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का दम देखने को मिल रहा है। आज आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल के लिए वोट मांगेंगे। आजमगढ़ में सीएम योगी की दो जनसभा हैं और थोड़ी देर में अकबेरपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। बलरियागंज बाजार में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार, जब मोती लहर थी तब भी आजमगढ़ में किला फेंक नहीं पाई थी बीजेपी, और इस बार देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस उपचुनाव में इसका दम देखने को मिलता है। बहरहाल लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी दम दिखा रही है आजमगढ़ में। आज आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में वोट की अपील खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आजमगढ़ में दो जनसभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की और कुछ ही देर में अकबेरपुर में सीएम योगी की जनसभा होगी। बलरियागंज बाजार में भी जनसभा करने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का दम, और आज दो जनसभाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। आजमगढ़ में रामपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को लेकर दम दिखाती हुई बीजेपी 23 जून को दोनों सीटों के लिए, क्योंकि रामपुर आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव होंगे, और आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ वर्सेस समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव है चुनावी मैदान में। वेदेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। वेदेंद्र, अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के हुंकार राज्य देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, कैसी तैयारियां हैं दोनों जनसभाओं को लेकर बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अखिलेश के गढ़ में जो है दो जगह से जनसभा है, जहां आजमगढ़ के चक्रपानपुर में बिलियागंज में भी पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। काफी जो कार्यकर्ता आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां लोग तमाम नेताओं का यहाँ आगमन हो रहा है, और जल्द ही कुछ ही समय में यहाँ कार्यक्रम के और अखिलेश के गढ़ में जहाँ ये इनका जो गढ़ माना जाता है वहाँ पे भाजपा अपनी जो है चुनाव को लेकर आदित्यनाथ पक्ष में यहाँ तस्वीरें दिखाइए, कैसी तैयारी है जनसभा को लेकर, और साथ ही हम सुन सकते हैं कि वहां पर मंच से कुछ उद्बोधन भी हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। अभी एक कैमरामैन से देखिए, अभी सर ये तमाम जगह जो लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, और पूरी तरीके से यहाँ धीरे धीरे लोगों का जुटना जमाना सुनो होना शुरू हो गया है। हमारे कुछ भाजपा के नेता है, उनसे जानकारी करेंगे मतलब की कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है। आजमगढ़ जनपद जो है जो माजी गढ़ कहा जाता है, तो दोनों जगह किस तरीके की तैयारी कर रखी गई, दोनों जगह की आपको तो याद होगा आजमगढ़ में एक समय ऐसा था जब 3 से 4 हजार और 6 हजार वोटों को पाते थे, आज जो है वो यहाँ के बेहतर कार्य विपक्षी है, कुछ जो है वो विधानसभा चुनाव में कुछ गलत वोटिंग के कारण हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का बैठे हुए हैं, और आने वाले समय में इसी बाई इलेक्शन के बाद और जो भी साथी उनको पंडाल में आने की पूरी सुविधा थे, पूरी व्यवस्था थे, तो आप देखो वहाँ मौजूद हो रहे हैं, जहाँ सपा का गढ़ को भेदने का, किला को भेदने का काम हो गया कार्यक्रम को करकर। कब तक पहुँचेंगे वितेंद्र वहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए? देखिए कार्यक्रम शेड्यूल है, यहाँ का 12 बजे है, बारह बजे है, लेकिन कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम में यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि दिनेश लाल के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है, और बीजेपी पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहां पर लोगों का रुख क्या नजर आ रहा है? अभी धीरे धीरे देखिए लोगों का जुटना शुरू हो गया है और उत्साह लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक पूरी जोर पूरी लगाई हुई है कि सीट जो समाजवादी का गढ़ है उसको किस तरीके से अपने पक्ष में ले, उसको तमाम तैयारी कर ले कर ली गई है, और काफी संख्या में धीरे धीरे आना शुरू हो गया है।
ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर बना रखिएगा। आसमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने आर्यमगढ़ का रंग छेड़ दिया है। आसमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, सांसद रवि किशन ने छेड़ा आर्यमगढ़ का रंग। आसमगढ़ नहीं आर्यमगढ़ जीतेगा, रवि किशन के द्वारा कहा गया। आर्यमगढ़ चाहिए तो बीजेपी को वोट दें, ये भी उनके द्वारा कहा गया। देखिए महादेव जॉन चाहिए, पहले तो ये चुनाव आ जाए, फिर उसके बाद ये रास्ता खुद आजमगढ़ वाले खुद चुन लेंगे। आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़, आजमगढ़ को स्वयं चुनना है आर्यमगढ़। और आजमगढ़ अगर आर्यमगढ़ नहीं चुनता तो दुर्भाग्य कहा और क्या कहा। तो रवि किशन का आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आर्यमगढ़ चुना है लोगों को और अगर नहीं चुना तो दुर्भाग्य होगा और क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि आसमगढ़ में और ज्यादा दिलचस्प लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। आसमगढ़ नहीं आर्यमगढ़ जीतेगा, ये रवि किशन के द्वारा कहा गया।